कुछ लोग सिर्फ आंखों देखी पर भरोसा करते हैं। हजारों पर्यटक हर साल अलास्का का मेंडेनहॉल ग्लेशियर देखने आते हैं। ये अमेरिका में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। पृथ्वी का तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये ग्लेशियर हमेशा नहीं रहने वाला। 2050 तक तो ये दिखाई भी नहीं देगा। सिर्फ इसी साल यहाँ करीब 7 लाख पर्यटकों के आने की संभावना है। स्थानीय पर्यटन उद्योग यहाँ आने वाले लोगों को जलवायु के प्रति जागरूक करता है। लोग प्रभावित इलाकों में जाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति और जागरूक हो सकते हैं। वहीं स्थानीय लोगों को चिंता है कि ग्लेशियर पिघलने पर यहाँ का पर्यटन उद्योग भी सिकुड़ जाएगा। पर इसकी कीमत भी तो है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि क्रूज से होने वाले प्रदूषण से ग्लेशियर और तेजी से पिघलते हैं, यानी क्लाइमेट टूरिज्म में पर्यावरण को संरक्षित करने और इसके प्रति जागरूक करने के बीच बड़ा नाजुक संतुलन है।